आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना है, यस या नो में जवाब दीजिएगा। देखिए आज का वीडियो क्यों जरूरी है कि 12 का रिजल्ट निकल चुका है, लोग 5th सेमेस्टर का रिजल्ट निकल चुका है और लोग आगे के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, जहां पर हम लोग को अपना थॉट रखना चाहिए और हम उचित ढंग से गाइड करेंगे। सबसे पहले यहां पर 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इन लोगों से हम पूछेंगे कि क्या आपको लगता है, क्वेश्चन अच्छे से सुनिएगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि सही समय पे अगर आपको सही कोई गाइड करता और सही यूनिवर्सिटी या कॉलेज का अगर चुनाव यानी सिलेक्शन करने का कुछ रास्ता दिखाता तो आप सही रास्ते पे आराम से पहुंच जाते। आपने अपना यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुद से चुना क्योंकि आपको कोई गाइड नहीं किया था, तो क्या आप अपने यूनिवर्सिटी से जो सिलेक्शन किए हैं, जहां से भी आपने एग्जाम दिया, क्या आप अपने यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज से खुश हैं? तो क्या आपको लगता है कि हमको गाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को? जो ऑलरेडी 12 अभी पास किया है या जो एमबीए और कुछ भी करना चाहता है उसको गाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है जी, तो देखा आपने कि चुनाव अगर आप अच्छे से नहीं करते हैं तो रास्ते वहीं पर रुक जाते हैं, रास्ते खत्म हो जाते हैं। इसलिए आज का वीडियो का टॉपिक है चॉइस आपका, एडमिशन हम दिलाएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। तो देखिए करेक्ट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज अगर आप चुनते हैं तो विदाउट सप्ली आप मंजिल में पहुंच जाते हैं। आपके अंदर जो चीज है यानी यार सब कोई आप हीरे हैं, हीरे, अपने आप को पहचानो। लेकिन हीरा का पहचान तब होता है जब वो सही हाथ में जाता है, जोहरी के हाथ में जाने से हीरे का पहचान होता है, अदरवाइज तो हीरा को लोग कांच ही बोलते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है? अरे यार ऊपर वाले हम लोगों को बना के भेजे हैं और हम लोग में बहुत हम लोग कैपेबल हैं, बहुत कैपेबल हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को पहचानो, कहां खो गए हो? इसीलिए बोला गया है सही मंजिल का चुनाव करने से सही जगह में पहुंचोगे और उसके लिए साथी भी सही होना चाहिए। आपने गलत यूनिवर्सिटी को गलत कॉलेज का चुनाव किए हैं, वहां पर वैसा साथी भी मिले, साथी फेल आप भी फेल, साथी पास आप भी पास। यानी फ्रेंड ऐसा होना चाहिए यार जिसका सोच बहुत बड़ा है, अगर सोच बड़ा होगा तभी आप मंजिल की तरफ भागेंगे, नहीं तो जीने वाले तो ऐसे भी जी लेते हैं यार। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एमबीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीए, बीएससी, एमएससी, एमए, होटल मैनेजमेंट, एमकॉम, कुछ भी आगे करना चाहते हैं और अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि किस यूनिवर्सिटी से करें, किस कॉलेज से करें, तो आपको नंबर दिख रहा होगा उस पे कॉल कीजिए, हम पर्सनली आपको गाइड करेंगे यार, हम गाइड करेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा आपको पता है कि लोग कोटा का नाम जानते हैं ना? क्यों जाते हैं लोग कोटा? यस, इंजीनियरिंग और मेडिकल करने के लिए जाते हैं, सभी लोग जाते हैं वहां से, लोग सक्सेस होके भी आते हैं, मैक्सिमम लोग सक्सेस करते हैं। लेकिन आपको पता है कि वहां जितने भी अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब लोग यहां से जाते हैं तो उसको किसी स्कूल में दाखिला तो दिला देते हैं, एडमिशन तो दिला देते हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए वहां जाते हैं, उसका पूरा प्रिपरेशन उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है। तो देखिए आप पहले सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। जैसे मान लीजिए अगर अभी आप 12 पास किए हैं तो आप सोचिए कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, सीए, सीएस, सीएम है तो आपको समय चाहिए, अगर आपको लगता है कंपटीशन करना है तो आपको समय चाहिए, अगर आपको लगता है एमबीए करना है तो आपको समय चाहिए, क्योंकि उसके लिए कैट और मेट का तैयारी के लिए समय चाहिए। एजुकेशन जरूरी है लेकिन वैसे कॉलेज से कीजिए जहां पर जब भी एग्जाम देंगे तो आपको लोग पहचाने, यानी वैसा कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो जोहरी है, आपका पहचान कर पाएगा, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे ना तो फिर जब जब रिजल्ट निकलेगा ना तब आप रोएंगे, आपका एटीट्यूड नीचे चला जाएगा, आप जो सपने देखे हैं वो बिखर जाएंगे। इसीलिए
एक बार जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कीजिए, हम आपको अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में बताएंगे, आपका रिक्वायरमेंट क्या है अकॉर्डिंगली हम बताएंगे। मेरे पास बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है जहां से आपके भाई बहन पढ़े हैं, तो उससे पूछो ना वो कितना सेटिस्फाइड है। जब यहां पर लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो अपने भाई बहन से पूछो कितना सेटिस्फाइड है। अरे यार आप दूर मत जाओ, अपने घरों में अपने रिश्तेदारों में देखो कि वो किस यूनिवर्सिटी से कितना सेटिस्फाइड है, कितना नंबर लेकर आया है, फिर मेरे नंबर पर कॉल करो ना, माथुर सर है ना यार ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी है ना जहां से हम आपको एजुकेशन दिलाएंगे और आप पूरा खुश रहेंगे, साथ ही साथ सारे तरह के तैयारी करेंगे। और सुनिए, अगर आप ध्यान से सुनिएगा, MBA, BBA, BCA ये सारे चीजों को अगर करना चाहेंगे तो इसे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी बताएंगे ना, जहां पर हम वादा करते हैं आपको आपके फीस में से अप टू 50,000 तक का स्कॉलरशिप भी दिलवा देंगे हम, और अगर वहां नहीं देगा ना हम देंगे। और क्या चाहिए यार आपको, देखिए कितने लोग, अभी जब हम लोग कुछ सेशन बुलाए थे, बहुत सारे स्टूडेंट से हमने मिला है, 2-3 सेशन मैंने किया है सप्ली के ऊपर, काफी स्टूडेंट से मिले हैं, वो पता नहीं किसको किसको पकड़ के MBA में एडमिशन करवा लिए हैं, 50,000 पेड कर दिए, भी सप्ली हो गए हैं, सोच के देखी। अब वो परेशान है कि क्या किया जाए, और काश अगर आप हमसे MBA के लिए एडमिशन करवाते तो अप टू 50,000 तो हम ऐसे ही आपको दिलवा देते स्कॉलरशिप। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां पर एडमिशन करवाना है, तो देखेंगे जी, सिर्फ हम कलकत्ता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप कलकत्ता हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, पुणे हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, और इसके साथ ही अगर आपका कहीं और च्वाइस है वहां पर हम आपको एडमिशन दिलाएंगे और वहीं पर आपको स्कॉलरशिप और रिबेट भी दिलाएंगे। तो देखिए आप यार पढ़े लिखे हैं, समझिए बातों को, और साथ ही साथ एक बात और भी बता देते हैं, जितने लोग सप्ली किए हैं, सप्ली किए हैं आपके दोस्त बहुत सारे सप्ली किए हैं, तो उसके लिए हम लोग इस सैटरडे को 5 बजे लास्ट सेशन बुला रहे हैं, जहां पर हम थर्ड सेशन है मेरा ये, जहां पर अगर आपको आना है तो जो नंबर दिख रहा है ना उस पर कॉल करके अपना स्लॉट का बुक करवा लीजिए, क्योंकि काफी लोग भर जाते हैं तो बताना बहुत मुश्किल होता है, एक स्लॉट में जितने लोगों का जरूरत है उससे ज्यादा तो हम बिठा नहीं पाएंगे ना। तो देखेगी जी आज का वीडियो टोटल आपके एडमिशन के ऊपर डिपेंड है, अगर आप कहां पर अगर 12 पास हैं तो एडमिशन कहां लेना चाहिए, अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं तो जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके कंफ्यूजन को दूर कीजिए ताकि आपको सही मंजिल मिल सके। तो यहीं पर हम एंड करेंगे, च्वाइस आपका, एडमिशन हर जगह हम दिलाएंगे जहां आप चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।